दोस्तों, वैसे तो माँ नर्मदा को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि नर्मदा में स्नान करने से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। माँ नर्मदा की प्रेम कहानी बड़ी अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार रवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं, नद ही है। दोस्तों, ये कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपने अत्यंत रूप से पुत्री के लिए ये तय किया था कि जो राजकुमार उनकी पुत्री नर्मदा के लिए गुलाब कावली के पुष्प लाएगा, वो उनकी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के पुष्प ले आए। अतः मेखल राज ने सोनभद्र के साथ नर्मदा का विवाह तय कर दिया। नर्मदा अब तक सोनभद्र को देख नहीं पाई थी, लेकिन उनके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर वो भी उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी थी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा नहीं गया। उसने अपनी दासी जुहिला के द्वारा राजकुमार को प्रेम संदेश भेजने का सोचा, लेकिन जुहिला को मजाक सूझा। उसने राजकुमारी से उनके वस्त्र और आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। वो जैसे ही सोनभद्र से मिलने पहुंची, सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। इधर जुहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के निवेदन पे को वो ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सबर का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देर हुई तो वो स्वयं ही सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देख अपमान की अग्नि में जलने लगी और तुरंत वहां से उल्टी दिशा में बहने लगी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा लौटकर कभी नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए। जेसी नगर के ग्राम बराह के निकट जुहिला का सोनभद्र नद से पास में दशरथ घाट में संगम होता है और कथा में रूठी हुई नर्मदा कवारी और अकेले उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा प्रयागराज के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है और जुहिला नदी को आज भी दूषित माना जाता है। पवित्र नदियों में इस नदी का नाम आज भी शामिल नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।